बॉलीवुड में हमेशा से सदाबहार जोड़ियां देखने को मिली हैं, जिन्हें फैंस हमेशा एक साथ देखना पसंद करते हैं। इन्हीं जोड़ियों में से एक जोड़ी रही है राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की तगड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी फिल्में देखकर उनकी दीवानी हुआ करती थी, लेकिन उनका दिल एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया पर आया था। डिंपल कपाड़िया की राजेश खन्ना से पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। राजेश खन्ना 70 के दशक में नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब के प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। यहीं पर उनकी मुलाकात डिंपल कपाड़िया से हुई और वो पहली नजर में ही उनके दीवाने हो गए थे। यहीं से राजेश खन्ना और डिंपल की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि दोनों का अफेयर करीब 3 साल तक चला था। इसके बाद 1973 में डिंपल ने खुद से 15 साल बड़े राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली थी। इनकी शादी की खास बात ये थी कि उस वक्त डिंपल महज 16 साल की थी, जबकि राजेश खन्ना की उम्र 31 साल की थी। डिंपल ने फिल्म बॉबी की रिलीज के 6 महीने पहले ही उनसे शादी कर ली थी। शादी के बाद डिंपल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। शादी के बाद एक्ट्रेस 2 बेटियों की मां बनी, जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही 1982 में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए थे। अप्रैल 1982 में डिंपल राजेश खन्ना को छोड़कर अपनी दोनों बेटियों के साथ पिता के घर रहने लगी थी। तलाक दिए बिना ही ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे से कभी दोबारा ना मिलने का मन बना लिया था। राजेश खन्ना हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते थे, हालांकि दोनों के बीच की दरार छोटी छोटी बातों पर बढ़ती ही जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब राजेश खन्ना को अकेलापन सताने लगा। इसके बाद अक्षय कुमार ने अपने ससुर का हाथ थामा और उनकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। अक्षय ने उनसे उनकी पत्नी को दोबारा मिलवाया। अक्षय कुमार की पहल से ही टूटा हुआ परिवार दोबारा से एक हो गया था। अक्षय ने एक बार फिर खन्ना परिवार में खुशियां ला दी थी। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने इसके बाद का जीवन एक साथ गुजारा और अपने बच्चों से जुड़े रहे। करीब 25 साल बाद राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार ने दोनों को एक किया था। वहीं साल 2012 18 जुलाई को एक खबर ने सबको उदास कर दिया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो स्टार जो कहता था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अब अपने फैंस के बीच नहीं था। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा उनके बांद्रा स्थित निवास आशीर्वाद से शुरू हुई थी। उनके पार्थिव शरीर को पारदर्शी ताबूत में सफेद फूलों से सजे मिनी ट्रक में रखा गया था। उनके साथ उनके फैंस की भारी भीड़ चल रही थी। राजेश खन्ना ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1966 में फिल्म आखिरी खत से की थी। कटी पतंग, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों से शोहरत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।